तो विनेश फोगाट पदक से चूक गई तो पूरे देश को एक तरीके से झटका लगा और विनेश यहां तक हताश हो गई कि उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने तक का ऐलान कर दिया। और आज संसद में विनेश फोगाट को लेकर विपक्ष ने जब हंगामा किया, चर्चा की मांग की, वहां से वॉकआउट भी कर दिया। और इसी पर राज्यसभा में जेपी नड्डा ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। उन्होंने इस मामले में राजनीति को गलत ठहराया। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, यह कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। ये भारतीय खेल की को आगे बढ़ाने का विषय है जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज, प्रधानमंत्री की आवाज, 140 करोड़ देशवासियों की आवाज। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है। द ऑपोजिशन डज नॉट हैव एनी सॉलिड इशू विच दे वॉन्ट टू डिस्कस, फॉर विच द रूलिंग पार्टी इज रेडी फॉर डिस्कशन ऑन ऑल फोरम्स एंड इन ऑन द फोरम ऑफ राज्यसभा। लेकिन जब सारा देश इस विनेश के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है, इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष अपनी भूमिका को इस दृष्टि से देखेगा। एक बार आपको जिस तरीके से आपके चेयर को आघात पहुंचा है, यह सच में निंदनीय है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। कुछ और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, उन्होंने जो अपील की है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जो अपने 3 bouts लड़े थे वो उसमें उन्होंने जीत हासिल पाई थी, और उनको डिस्क्वालीफाई इस तरीके से करना, और कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है और जो पूरी टीम गई हुई है, उनका पुख्ता तरीके से लड़ाई लड़ना इस नाइंसाफी के खिलाफ, मैं मानती हूँ कि उनको हमारे जो सिल्वर मेडल उनको मिलना चाहिए था उससे उनको वंचित रखा गया है। उम्मीद करती हूँ उनके साथ न्याय होगा। नहीं, हम तो देखते हैं कि ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और ये सब भारतीय जनता पार्टी के सरकार, मोदी जी, ब्रिजभूषण सिंह के एक साजिश है। सिंपल चीज है, आपने जानबूझ के उसको ले गया था वे करने के लिए ताकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? तो क्योंकि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को डर है कि बेटी हमारी जीतेगी, हरियाणा जाएगी, इनको सिर्फ चुनाव से मतलब है, देश के सम्मान से मतलब नहीं है। विनेश जी को इन्होंने तंग किया था तो हरियाणा में उल्टा असर पड़ेगा, इनका जो सोच है, तो सिर्फ अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमारे बेटी का जो है, उन्होंने बेटी का जो मेडल छीन लिया है, देश इनको कभी माफ नहीं करेगी।